जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के काम क्या होते हैं, क्योंकि ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो ट्रेन होती है उसको लोको पायलट चलाते हैं, लेकिन फिर ALP के काम क्या होते हैं भाई साहब, जो ALP को रेलवेज इतनी सैलरी देता है। तो इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जब आप रेलवे में ALP टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसको भी कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद में डायरेक्ट आपको लोको पायलट नहीं बनाया जाता है, आपको सबसे पहले ALP बनाया जाता है। और बाद में जो ALP होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, उसको ही प्रमोट करके फिर लोको पायलट बनाया जाता है। डायरेक्ट लोको पायलट कभी कोई नहीं बन सकता। अब हम समझते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के काम क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, असिस्टेंट यानी कि लोको पायलट का असिस्टेंट होता है एक असिस्टेंट लोको पायलट, और असिस्टेंट यानी कि सहायक। तो लोको पायलट का जो सहायक होता है वो होता है ALP। अब इनका जो काम होता है वो ट्रेन चलाना तो नहीं होता है ALP का, लेकिन फिर भी रेलवे में ALP की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। जब सबसे पहले ALP ऑन ड्यूटी होता है तो उस समय सबसे पहले जो ALP का काम होता है वो काम होता है पूरे लोकोमोटिव को, वो ट्रेन को चेक करना, ट्रेन की कपलिंग को चेक करना, इसके अलावा ब्रेक प्रेशर को चेक करना, पेंटोग्राफ को चेक करना, और साथ में क्वेश्चन ऑर्डर पढ़ना, इसके अलावा जो ट्रेन के अंडर फ्रेम होते हैं उसका निरीक्षण करना, इसके अलावा ट्रांसफार्मर का ऑयल चेक करना, बैटरी वोल्टेज चेक करना और पेंटोग्राफ को चेक करना, और लाइट एंड हॉर्न को भी चेक करना। जब ट्रेन चलने के लिए तैयार होती है तो ये सब जो काम होते हैं ना, ये एक ALP के ही होते हैं। पूरी ट्रेन चलने के लिए बिल्कुल तैयार है या फिर नहीं, ये एक ALP के काम होते हैं। और ALP के काम यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होते, अभी तो शुरू हुए हैं, तो आगे और सुनते जाओ। अब देखिए भाई साहब, जब कोई ट्रेन स्टेशन से चलने के लिए बिल्कुल तैयार है तो ALP वो लोको पायलट को बताता है कि बिल्कुल पूरा जो पावर वगैरह सब कुछ ठीक है और हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फिर जो मेन लोको पायलट होते हैं वो ट्रेन को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जब ट्रेन स्टेशन से चल देती है उसके बाद में जो ALP के काम होते हैं वो क्या काम होते हैं। जब ट्रेन चल देती है उसके बाद में एक ALP है, उसको लॉग बुक भरना पड़ता है, क्वेश्चन ऑर्डर को भी पढ़ना पड़ता है, और कब किस जगह पर कितनी स्पीड से चलना है क्वेश्चन ऑर्डर में पढ़ के ये लोको पायलट को ALP बताते हैं। हालांकि लोको पायलट के पास भी क्वेश्चन ऑर्डर होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से सिग्नल एक्सचेंज करने का काम होता है गार्ड से, वो भी एक ALP भी करता है और साथ में लोको पायलट भी करता है। इंजन के सारे इक्विपमेंट पर और गेजेस पर नज़र रखना, ट्रेन कब किस जगह कितनी स्पीड पर जाएगी वो लोको पायलट से कंफर्म करना, और साथ में किस स्टेशन पर कितनी देर तक ट्रेन रुकी है, वहाँ कितनी बजे पहुँची है, और अगर ट्रेन लेट हुई है तो किस वजह से हुई है, ये सबको नोट करना एक ALP का काम होता है। इसके अलावा जब ट्रेन बिल्कुल भाई साहब अपनी स्पीड में फरफराते हुए निकलती है ना, तो स्टेशन मास्टर, पॉइंटमैन और गार्ड से कम्युनिकेट करना और सिग्नल एक्सचेंज करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल ऑल राइट है, ये सब काम भी एक ALP के होते हैं। और इसके अलावा जो ALP होते हैं वो उनके पास में हॉर्न का कंट्रोल भी रहता है, तो हॉर्न भी ALP बजाते हैं। अब इसके बाद में जब कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो नीचे उतर कर पूरे पावर को चेक करना, वो ट्रेन को चेक करना, कपलिंग को चेक करना, और अगर कभी बाई चांस चेन पुलिंग हो जाती है तो चेन पुलिंग को रीसेट करने के लिए भी ALP को ही जाना पड़ता है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है जिसको कि लोको पायलट को ट्रेन में ही रहना पड़ेगा और ALP को जाना पड़ेगा, तो उसमें एक ALP ही वहाँ पर जाकर वो काम करता है, उसके बाद में ट्रेन चल पाती है। और देखिए, सबसे बड़ा जो मेन काम होता है ना, आपको लगता होगा कि ये सब कोई काम है ना बहुत आसान काम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ट्रेन में हजारों जो यात्री होते हैं उनकी जिम्मेदारी लोको पायलट और ALP पर होती है। तो आप कितना भी कह लें कि ALP के जो जॉब है वो बहुत कमज़ोर जॉब है या कुछ भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ALP का जो काम होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई ट्रेन रात में कहीं पर जा रही है, तो जब रात में वो जाएगी ना, तो लोको पायलट को गलती से कोई झपकी ना लग जाए, या फिर कोई लोको पायलट है वो ओवर स्पीड में तो नहीं चला रहे, ये सब जो काम है ना वो ALP को करना पड़ता है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई लोको पायलट मतलब ट्रेन को नहीं रोक पा रहे हैं, तो ALP के पास भी इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है जिससे कि वो ट्रेन को रोक सके। यानी कि एक तरीके से आप मान लीजिए कि असिस्टेंट लोको पायलट पर नज़र रखता है कि वे कोई गलती तो नहीं कर रहा है, और उनको सिग्नल कॉल आउट करना सब कुछ प्रॉपर वे में एक ALP करता है। तो ALP का जो काम है ना
वो इतना आसान नहीं है जितना कि हम देखते हैं कि वो किसी स्टेशन पर बाहर आते हैं और बस सिग्नल एक्सचेंज करते हैं वो ट्रेन चल पड़ती है। इतना आसान नहीं होता है। एएलपी की भी जो लाइफ है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्त। और दोस्तों इन सब के अलावा बहुत से ऐसे काम होते हैं एएलपी के जो कि उन्हें ऑन ड्यूटी बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिनको कि वो ऑन ड्यूटी सॉल्व कर पाते हैं, तो वो सब तो इसमें बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सब जो मेन काम है एएलपी के वो होते हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल उनको करना पड़ता है। और इसके अलावा जो कुछ अलग से दिक्कत आ जाती है तो फिर वो भी एक एएलपी को ही करना पड़ता है। तो ये सब कुछ एक एएलपी के काम होते हैं और यही एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट धीरे धीरे प्रमोट होकर लोको पायलट बन जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो ड्यूटी ऑफ एएलपी है ये आपको समझ आई होगी कि असिस्टेंट लोको पायलट के काम क्या होते हैं। और अगर आप और किसी जॉब से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।